हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर पिज्जा के लिए जो है यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया था जिसमें हम सारे पिज्जास को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और यहीं से जो है हमने एक्शन के लिए एक टेबल क्रिएट किया था जिसके अंदर जो है हम यहाँ पर एडिट और डिलीट की जो है फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले थे। तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल जो है एड न्यू पिज्जा पर काम करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे और इस फॉर्म को हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं इस एडिट पर क्लिक करूँ तो ये फॉर्म में जितना भी डेटा है, इस फील्ड के अंदर जितना भी डेटा रहेगा उस फॉर्म में जो है शो करा देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल जो है एड न्यू पिज्जा के लिए जो है यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से जो है फॉर्म को कॉपी कर लें। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा बड़ा फॉर्म है और हमारे पास क्या है, ज्यादा फील्ड्स है, तो ये उसके लिए बेस्ट रहेगा। हमको सिर्फ इसके फील्ड्स चेंज करना है और इसके अंदर जो है स्टेट असाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लें, और हमारे पास था यहाँ पर एड न्यू पिज्जा का एक कंपोनेंट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस H1 को रिमूव कर देता हूँ और डिव को हटा के हम जो है यहाँ पे सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे रिएक्ट फ्रेगमेंट का, और यहाँ पे इस फॉर्म को हम पेस्ट कर देंगे और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने फॉर्म को जो है सक्सेसफुली पेस्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्ट्स करना है कुछ, जैसे कि ये फॉर्म रो, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और इसमें से हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो है फॉर्म, फॉर्म के बाद में हमको चाहिए यहाँ पे रो, और इस रो के बाद में हमारे पास और क्या है, चेक कर लेते हैं, कॉलम भी है, कॉलम भी हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और बटन। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कॉल, कॉल के बाद में हमारे पास है बटन। तो ये सारी चीजें हमने इंपोर्ट कर दी। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कैसे दिख रहा है, और यहाँ पे चलते हैं हमारी एप्लीकेशन पर और मैं इसको एक बार रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड। तो देखते हैं ये क्यों आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो सब कुछ सही है आई थिंक, और यहाँ पर अच्छा देखिए यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स है, जो कि देखिए सेलेक्ट को यूज करने के लिए आपको जो है लेटेस्ट बूटस्ट्रैप का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे सिस्टम में नहीं है, यानी कि हमारी इस एप्लीकेशन में हमने जो है ओल्ड वर्जन इंस्टॉल किया है, अभी लेटेस्ट आ चुका है, तो उसमें जो है ये सेलेक्ट सपोर्ट करता है, तो हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल एड कर देंगे और वापस से सेव करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए सब कुछ सही से आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको रीनेम करना है और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो है स्टेट डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर स्टेट डिफाइन करना है और यहाँ पे हमको लगेगा यूज स्टेट हुक, और इस हुक की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूज करेंगे यूज स्टेट को, तो आपको लिखना है यूज स्टेट। अगर आपके पास प्लगइन इंस्टॉल है तो जैसे कंट्रोल स्पेस आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा यूज स्टेट का, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसका स्केलेटन आपके लिए बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले नेम, और इनिशियल स्टेट इसकी रहेंगी एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसके बाद में हमको क्या करना है, देखिए ये येल्लो जो आ रहा है ना, ये सिंटेक्स हाईलाइटर है, यानी कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया मगर यूज नहीं किया, इसीलिए जो है इस तरीके से शो होगा। आपके पास भी ES Lint है तो फिर आपको भी कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर शो करें। अब क्या करेंगे, अगेन हमको चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर हमको चाहिए स्मॉल प्राइस के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉल प्राइस, इनिशियल प्राइस एम्प्टी रख देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और बार ऐड कर देंगे, और अब ऐड करेंगे लार्ज प्राइस के लिए, लार्ज प्राइस, और इसको जो है हम यहाँ पर एम्प्टी कर देंगे क्योंकि नंबर वैल्यू को हमको जो है डिफाइन नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक बार और ऐड कर देंगे, तो यूज स्टेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे मीडियम प्राइस, ओके यहाँ पर मीडियम हम बाद में कर रहे हैं क्योंकि मैं भूल गया था मीडियम, तो यहाँ पे मैंने मीडियम प्राइस भी ऐड कर दिया। इनिशियल स्टेट जो है इसकी भी एम्प्टी रखेंगे आप। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर इमेज के लिए चाहिए, तो इमेज सेट इमेज, और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखे आप। और उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर से ऐड करना है, और इसके बाद में हमको चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पे आप ऐड करें डिस्क्रिप्शन, और ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। इसके बाद में एक और फील्ड हमारे पास बचती है, वो है कैटेगरी के लिए, यहाँ पे आप ऐड कर दे कैटेगरी, सेट कैटेगरी, और इसको जो है एम्प्टी स्ट्रिंग आप रख दें। तो यहाँ पे हमारे पास सारी फील्ड्स जो है बन चुकी है, हमको क्या करना है अभी फॉर्म को मॉडिफाई करना है। तो देखिए फॉर्म के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑन सबमिट का इवेंट यहाँ पर ऐड करना है, तो ऑन सबमिट, और इसके अंदर हमको जो है फंक्शन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबमिट फॉर्म का एक फंक्शन बना देता हूँ, सबमिट फॉर्म,
अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, हम ऊपर जो है क्रिएट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको बना के छोड़ देता हूँ। तो कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म और ये रहेगा एरो फंक्शन, और यहाँ पर तो ये एरो फंक्शन बन चुका है। और हम क्या करेंगे इसके अंदर आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे ई, ई यानी इवेंट के लिए हम जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन बन चुका है, मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग ई सिंपल अभी फिलहाल, क्योंकि हमको एरर नहीं चाहिए, हम इसको अभी थोड़ी देर में फिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे फॉर्म है जिसके अंदर पहला टाइप ईमेल है, तो इसको कट करके आप यहाँ पे ऐड करें नेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको मल्टी लाइन कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसका टाइप ईमेल है तो इसको हमको करना है टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे नेम की जो कि हमने ऊपर क्रिएट किया था। और इसके अंदर हमारे पास होता है ऑन चेंज की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर हमको क्या करना है यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे ई को रिसीव करते हैं और इसके अंदर हम क्या कर देंगे सेट कर देंगे, किसको सेट करना है बस नेम को। तो यहाँ पे सेट नेम, सेट नेम के अंदर हमको करना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है ई की मदद से हम जो है उसको सेट नेम में असाइन कर देंगे। इनिशियल वैल्यू जो है एम्प्टी है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसको सेट करा रहे हैं जो भी यूजर टाइप करेगा उससे। तो आप क्या करें इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी करके रखें आप। इसके बाद में हमारे पास देखिए पासवर्ड है यहाँ पर, तो इसको आप कट कर दें क्योंकि हमको पासवर्ड के लिए नहीं चाहिए। हमारे पास क्या है अब यहाँ पर प्राइजेस है ना, तो हमको प्राइजेस यहाँ पर शो कराने हैं। तो मैं क्या करता हूँ देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास तीन फील्ड के लिए नीचे है, तो यहाँ से इसको आप क्या करें कट कर दें, और इस नेम के बाद में आप जो है इसको पेस्ट कर दें। नेम के बाद में पेस्ट करने के बाद आप क्या करें सेव कर ले एक बार चेक कर लेता हूँ मैं सही से आ रहा है क्या नहीं, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए आ रहा है बराबर से नेम, और यहाँ पे ऐड करना है आपको प्राइजेस। तो हमारे पास क्या है देखिए यहाँ पर सिटी बता रहे हैं अभी, तो इसके बदले हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल प्राइस। फॉर्म कंट्रोल के अंदर हम क्या कर देंगे इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका टाइप डिफाइन कर देंगे, और प्लेस होल्डर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ इसी को जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर हम जो है पेस्ट कर देंगे। टाइप इसका टेक्स्ट रहेगा, वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे स्मॉल प्राइस यहाँ पर शो करा देंगे, तो स्मॉल प्राइस, और यहाँ पे सेट स्मॉल प्राइस कर देंगे हम, सेट स्मॉल प्राइस, और एंटर स्मॉल प्राइस। इसी तरीके से हमको क्या करना है यहाँ पे मीडियम के लिए ऐड करना है, तो मीडियम, और यहाँ पे हम इसको असाइन भी कर देंगे टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे रहेगा मीडियम प्राइस, और यहाँ पे हमको करना है सेट मीडियम प्राइस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेट मीडियम प्राइस, तो यहाँ पर ये भी सेट हो गया, और यहाँ पे इंटर मीडियम प्राइस ये भी ऐड हो चुका है। इसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर लार्ज के लिए, तो यहाँ पे आप लिखें लार्ज प्राइस, और यहाँ पर ऐड कर दे फिर से टाइप टेक्स्ट रहेगा। नेम के बदले हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे लार्ज प्राइस, मेक श्योर ऊपर जो स्टेट में हमने डिफाइन किया था वही यहाँ पर आप ऐड करें, और यहाँ पे सेट कर देंगे इसको सेट लार्ज प्राइस। तो यहाँ पर ये भी सेट हो गया, और यहाँ पे हम करेंगे इंटर लार्ज प्राइस, तो यहाँ पे प्राइजेस तक के सब कुछ सेट हो गया। इसके बाद में हमारे पास क्या है इमेज है, तो इमेज को हम एज अ लिंक यहाँ पर देखने वाले हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको मल्टी लाइन कर देंगे, और यहाँ पर वैल्यू में हमको ऐड करना है इमेज, और यहाँ पे सेट इमेज, तो यहाँ पे इमेज भी सेट हो जाएंगी। और यहाँ पे हमको क्या करना है ऐड इमेज यूआरएल, तो यूआरएल के बेसिस पे हम जो है इमेज को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे इमेज भी ऐड हो चुकी है। इसके बाद में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे एड्रेस के बदले डिस्क्रिप्शन कर देंगे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको हटा के, और इसका अगेन टाइप टेक्स्ट रहेगा। वैल्यू के अंदर आपको करना है डिस्क्रिप्शन, तो मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखे आप, और आपको सेट भी कर देना है सेट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम कर देंगे इंटर डिस्क्रिप्शन, और अगेन हमारे पास लास्ट में बचता है कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे हम करेंगे कैटेगरी, और मैं इसको यहाँ से कट करके मल्टी लाइन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टाइप है टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा कैटेगरी, और यहाँ पे सेट कैटेगरी, और इंटर कैटेगरी यहाँ पे हम प्लेस होल्डर में ऐड कर रहे हैं। तो आई थिंक इतना काफी है, लास्ट वाला हमको नहीं चाहिए चेकबॉक्स, हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये बटन है देखिए, इसका वेरियंट जो है प्राइमरी है, और टाइप इसका सबमिट है, तो आप टाइप यहाँ से रिमूव कर दें, और सबमिट के बदले हम क्या करेंगे एड न्यू कर देता हूँ मैं इसको, और इतना लिख के हम क्या करते हैं इसको सेव कर लेते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं कैसे शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म आ रहा है, नेम प्राइजेस, और मैं क्या करता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, आई थिंक वो सही रहेगा। तो हम क्या करते हैं क्लास नेम ऐड कर सकते हैं, क्लास नेम, और कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ बीजी डार्क, या डार्क तो ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो हम इसका कर देंगे क्लास नेम बीजी लाइट, और
पैडिंग भी दे देंगे हम, तो पैडिंग में कर देता हूँ 4 की, यहाँ से 2 की नहीं, हम पैडिंग 4 कर देंगे, इतना लिख के सेव करता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से लाइट फॉर्म यहाँ पे नजर आ रहा है, तो बहुत माइनर सा कलर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो है हमने फॉर्म को क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या करना है, एक बार चेक करना है कि ये सभी जो है बराबर से लिंक हुए हैं या नहीं। तो हम console.log भी करा सकते हैं, मैं कंसोल पे जाता हूँ और हमको यहाँ पे चेक करना है, जैसे एड न्यू बटन पर क्लिक हो तो ये सारी वैल्यूज हमको प्रिंट होके मिलनी चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, पहले तो रिफ्रेश को बंद करना है। तो आप क्या करें, e. तो यहाँ पे आप लिखें e.preventDefault। अब ये मेथड क्या करता है, यहाँ पर रिलोडिंग जो एक्सीडेंटली जो हो जाता है ना हमारे से सबमिट, उसको रोक लेता है और पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होता। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, आपको लिखना है const और ये पिज्जा के लिए है। और इसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास स्टेट है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे कि नेम, इमेज, इमेज के बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन, इसके बाद में हमारे पास है कैटेगरी, उसके बाद में हमारे पास है प्राइजेस। तो प्राइजेस का हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में जो है ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था प्राइजेस के लिए, जिसके अंदर हमारे पास था ये देखिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टोर किया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है प्राइजेस का, प्राइजेस, और ये रहेगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास है स्मॉल, और स्मॉल के लिए हमने जो है स्मॉल प्राइस एड किया था। उसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे मीडियम के लिए भी ऐड किया है, तो मीडियम, और उसके लिए हमने किया था मीडियम प्राइस, तो यहाँ पे आपको लिखना है मीडियम प्राइस। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है लार्ज, लार्ज के अंदर हमारे पास है लार्ज प्राइस। और इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले। सेव करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको console.log कर देंगे। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है हमारा, उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे console.log करना है, और यहाँ पे हम जो है पिज्जा को जो है console.log कर देंगे। और इतना लिख के आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कर दिया ना इसको, तो इसको आप बाहर ले लें वरना ये एरर शो करेगा। तो यहाँ पे हमने जो है फंक्शन के अंदर लिखा है, लेकिन ये जो पिज्जा का ऑब्जेक्ट है उसके बाहर हमने यहाँ पर इसको console.log किया। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। और देखिए यहाँ पे अभी तो कोई एरर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, हालांकि देखिए यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं भूल चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से इसको इनहेंस करें। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, जैसे कि अभी तो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं ना, तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम यहाँ से, देखिए खुद का नाम लिख देते हैं हम techinfo.yt। तो यहाँ पे हम कुछ भी डमी सा प्राइस ऐड कर सकते हैं 150, फिर उसके बाद में हम जो है 250 और यहाँ पे 500। इमेज के लिए आपको कोई भी डमी सा URL यहाँ से कॉपी कर लेना, जैसे कि अगर आप unsplash.com पर जाएंगे तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, unsplash पे से जो है कोई भी एक इमेज जो है रेंडम आप सेलेक्ट कर ले और वहां से कॉपी करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे URL को, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें शॉर्ट URL भी हम देखेंगे बाद में। और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सम रैंडम टेक्स्ट डेस्क, और कैटेगरी इसकी रहेंगी नॉनवेज। और एड न्यू पर क्लिक करें तो यहाँ पे कंसोल पे हमको ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो मैं करता हूँ इस पर क्लिक, और आई थिंक कुछ हुआ नहीं ना, तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे तो ये काम नहीं किया, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो कंसोल पे हमारा प्रिंट नहीं हुआ है, तो ऑन सबमिट पे हमारे पास है सबमिट फॉर्म। आई थिंक यहाँ पे हमको इसका टाइप जो है सबमिट रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप इसका जो है सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करके ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ और वापस चलते एक बार। और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश तो हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं एड न्यू। तो देखिए अब आ रहा है सक्सेसफुली, तो वहाँ पे हम जो है टाइप हटा दिए थे इसीलिए जो है एरर आ रहा था। तो देखिए अब सक्सेसफुली हो रहा है, techinfo.it नेम आ रहा है, फिर इमेज का URL आ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कैटेगरी और प्राइजेस का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए प्राइजेस के ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज जो है हमारे पास शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके लिए जो है एक्शंस क्रिएट करने हैं, रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है, और साथ ही में जो है बैकएंड पे राउट क्रिएट करना है, क्योंकि हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है ना कि हम कैसे पिज्जा को स्टोर कर पाए, तो उसके लिए हमको जो बैकएंड पे भी राउट क्रिएट करना है और साथ ही लिंक कराना है हमारे इस कंपोनेंट के साथ। तो एक्शन क्रिएट करेंगे हम, फिर जो है रिड्यूसर फंक्शन, और उसके बाद में स्टोर में इंपोर्ट कराएंगे, और फिर उसके बाद में हम जो है बैकएंड पे राउट क्रिएट करेंगे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।